जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने अपने पति द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस को एक तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए चंदोसी के संयुक्त चिकित्सालय में भेजा। इस विषय में महिला के भाई ने बताया कि इनका पति आए दिन इनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम देता है, जिसके बाद हमने एक कोतवाली पुलिस को तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने इनका मेडिकल परीक्षण कराने के लिए CHC चंदोसी में ले आई। वही महिला का कहना है कि उसका पति नवनीत उसके साथ मारपीट करता है, जिसके बाद आज मैंने कोतवाली पुलिस को उनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए एक तहरीर दी है। नाम पवन। कहाँ रहते हैं? राजमंदा। आप हॉस्पिटल में आए, क्या मामला है? हॉस्पिटल में इसलिए आए हैं, उन्होंने बहुत मारा है उनके पति ने, उन्होंने पूरा शरीर। किसको मारा है? जिसको मारा है वो कौन है आपकी? हमारी बहन है। हाँ, क्या हुआ? तो उन्होंने मारा, पकड़ के डाल दी गए, मारा पीटा सब, पूरा सब पैर वैर सब वो धेड़ रखते हैं। क्यों मारते हैं, क्या कारण है मारने का? पता नहीं, दारू पी के आते हैं, क्या करते हैं, क्या दारू पी के मारते हैं। काम क्या करते हैं आप? पैसे मांगते हैं दारू पीने के लिए। करते क्या चीज़ आती है आपके? वो कुछ गल्ला मंडी और मनसिकी करते हैं। कौन सी गल्ला मंडी में? गल्ला मंडी था, सब्जी मंडी था, सब्जी मंडी में चंदोसी। तो आप लोगों ने कोई कार्रवाई भी की है? कार्रवाई पहले तो नहीं की, मगर आप कुछ ज़्यादा तकलीफ हो गई तो आप करने पड़ी। क्या कार्रवाई की आपने? कार्रवाई तहरीर वगैरह दी थी उसमें, कोतवाली में। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ में कुछ नहीं हुआ था, इसमें खाली फ्रॉडगिरी करता है। कौन कौन करता है फ्रॉडगिरी? क्या नाम है? नवनीत। फिर क्या हुआ? मारा पीटा इसने मेरे साथ, बदतमीजी करी, घर से निकलने नहीं दे पाया, ना कहीं बैठ मेरे लाउंज में, बहुत बदतमीजी करता है मेरे साथ, पूरा शरीर फाड़ दिया है इसने मेरे से। कितने साल हुए आपकी शादी को? 3 साल। कोई बच्चे बच्चे भी यहाँ पे? खराब हुई तब भी इसने देख के मारा था, मेरे इसके लिए चले गए मेरे। तो अभी आपने कहीं कंप्लेंट की है? तो यहाँ आपको कौन लेकर आया अस्पताल में? अस्पताल में कौन लेकर आया आपको? मेरे घर वाले।